महिला जो है ना इतना मजबूत है कि ऐसे ऐसे को खदेड़ भगाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। रविशंकर प्रसाद ऐसे नेता को कोई जानता ही नहीं है, कहाँ है अंशुल कुमार। हम लोग एक चीज पता है, अंशुल कुमार को कौन जानता है जी। ये सिर्फ खोखला ही दावा साबित होगा, क्योंकि वो हवा से आए हैं और हवाई बातें कर रहे हैं। मीना कुमार के सियोर है क्या, फिदा है? हाँ फिदा, हम किस पर फिदा? कमल फूल पे। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं सचाटियो, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। लोकसभा के चुनाव तमाम तरह के लोग कयास लगा रहे हैं, पूरे देश भर में अपने अपने लोग पार्टी जो है वो दावा ठोक रहे हैं। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र जब देखिएगा तो 1 जून को मतदान, उसके पहले बदकट्टी करेंगे आप लोग से, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इस बार सीधी टक्कर रविशंकर प्रसाद NDA के प्रत्याशी हैं, तो NDA के प्रत्याशी के रूप में अंशुल कुमार कुशवाहा हैं। क्या सीधी टक्कर दे पाएंगे रविशंकर प्रसाद को, या रविशंकर प्रसाद अंशुल कुमार को हरा पाएंगे? अरे कहिए को चले जाए अपना घर द्वार बोरिया बिस्तरा बांध के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महिला जो है ना इतना मजबूत है कि ऐसे ऐसे को खदेड़ भगाएगा। कमल छाप को वोट दिए हैं, देते रहेंगे, नरेंद्र मोदी को फिर से दिल्ली में गद्दी पर बैठाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और रविशंकर जी को 4 लाख से पार कराएंगे। अंशुल कुमार को क्या होगा? हम लोग तो जानते भी नहीं अंशुल कुमार कौन है, हम लोग नाम सुने तो बताने के ही क्या, पटने के रहने वाले हैं। हम लोग तो कभी देखे भी नहीं है, कभी कोई कार्यकर्ता देखा भी नहीं है, जानता भी नहीं कौन है। ऐसे नेता को कोई जानता ही नहीं है, कहाँ है अंशुल कुमार। हम लोग को एक चीज पता है, रविशंकर प्रसाद है यहाँ के माननीय सांसद थे, हैं और रहेंगे। अंशुल कुमार को नहीं जानते हैं, पहचाने नहीं, कभी हम देखे नहीं किए हैं हम लोग उनको, कभी आके मिले ही नहीं, हम लोग के बीच में आए ही नहीं, तो क्या जानेंगे हम लोग। रविशंकर भैया हमेशा आते हैं, मिलते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। सीधी टक्कर दे रहे रविशंकर प्रसाद, सीधी टक्कर क्या, 100% टक्कर है, 100% रविशंकर जी प्रसाद जा रहे हैं और सांसद हैं और सांसद रहेंगे हमेशा। ये अंशुल कुमार कौन है हम जानते ही नहीं है, सिर्फ रविशंकर जी को जानते हैं, ये नाम मैंने पहली बार सुना है। एक अंशुल कुमार को जानती है? नहीं। इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी हुए और रविशंकर प्रसाद से सीधी टक्कर दे रहे, सीधी लड़ाई है, क्या कहें? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब की बार 400 पार, एकदम बटन टूट जाएगा। हाँ अब की बार 400, मोदी सरकार जिंदाबाद। अंशुल कुमार पटना साहिब खड़े हुए जो, नहीं कुछ भी नहीं, दम जीरो, दम जीरो जी। वहाँ समाज से आते हैं वो? नहीं कुछ भी नहीं, जीरो। समाज की राजनीति नहीं है ये, ये जनता की राजनीति है, समाज की राजनीति थोड़े यहाँ कोई करने आया है। अंशुल कुमार को कौन जानता है? कभी चेहरा नहीं देखे, कभी चेहरा नहीं दिखा। और आप जानते हैं पटना साहिब जो जगह है वहाँ पे जमीन से जुड़े लोग होते हैं, और जो जमीन से जुड़ा होता है उसकी पहचान ऐसे ही, हर इंसान एक दूसरे को जानते हैं। जी ये सिर्फ खोखला ही दावा साबित होगा, क्योंकि वो हवा से आए हैं और हवाई बातें कर रहे हैं। मीना कुमार के पुत्र है जो भी है, लेकिन मीरा कुमार की एक पहचान है, उनको तो एक मीरा जी के पुत्र के रूप में पहचाना जाना जा रहा है, जबकि रविशंकर प्रसाद जी को 2 बार वो कानून मंत्री भी रह चुके, सांसद भी रह चुके और पटना साहिब से हर बार विजय हुए हैं और आगे भी सियोर है। क्या फिदा है? हाँ फिदा, हम किस पर फिदा? कमल फूल पे। जमानत जब्त हो जाएगी रविशंकर प्रसाद का? जी नहीं, अंशुल कुमार प्रत्याशी का। यहाँ जो कह रहे हैं जो महिलाएं जो है एक मजबूत स्तंभ है, इनका कहना है कि पटना साहिब से जो सीधी टक्कर जो होने वाला है, जो रविशंकर प्रसाद NDA के हैं और अंशुल कुमार कुशवाहा इंडिया महागठबंधन से खड़े हैं, इनका कहना है कि सीधी और जमानत जब्त हो जाएंगे। किसी ने बताया क्या कि उनको पहचानते नहीं है? अब देखने वाली बात है, 1 जून को ही पता चलेगा किनकी टक्कर किनके साथ है। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, जय हिंद।